क्या होती उतरन। मुझे मेरा जवाब चाहिए। Excuse me. साहब, आपने मुझे कुछ कहा? Well, actually, रास्ता भूल गया था। लेफ्ट राइट के साहब दोनों ही रास्ते बाहर को जाते हैं। इस बस्ती के तो आप लगते नहीं। किससे मिलने आया था बस्ती में? मैं किसी से मिलने नहीं आया। एक्चुअली मैं अपनी दोस्त को छोड़ने आया था। इच्छा नाम है उसका। इच्छा? तो आप इच्छा के दोस्त हैं? तो फिर आप हमारे भी दोस्त हुए। मुझे पता है, इच्छा आपको स्कूल में छोड़कर भूल गई होगी। ऐसी ही है हमारी इच्की। इच्की? हम सब उसे इच्की ही कहते हैं। चलिए, मैं आपको सड़क तक छोड़ दूंगी, पर जाने से पहले आपको बल्लू के हाथ की चाय पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे साहब नहीं, वीर बुलाएंगे। ठीक है, चलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुकी है। आप इधर ही रहती हैं? हाँ, मैं आपको एक स्पेशल चाय पिलाऊंगी। चलिए, बस आ गया दुकान। बल्लू, साहब आए हैं। साहब के लिए स्पेशल चाय बनाना। छोटू, तो फटका तो मार। साहब बैठिए, साहब बैठिए ना। बल्लू, एक स्पेशल अदरक वाली चाय बनाना। इच्छा के मेहमान हैं। साहब, आपको अच्छी लगती है ना? जी। अच्छा, मैं अभी जाके इच्छा को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाइए, उन्हें पढ़ाने दीजिए। ये देखो बच्चों, कचरा हमेशा डब्बे में ही फेंकना चाहिए, वरना बीमारियां फैलती है, समझे? छोटू, ये पानी साहब नहीं पियेंगे, तो बस चाय ले क्या? साहब मत कहिए। सॉरी वीर साहब। थैंक यू। आप इच्छा को कब से जानती हैं? जब इच्छा इतनी सी थी, बिल्कुल इस छोटी की तरह, और मैं तो उससे भी छोटी थी। इच्छा हमारे साथ इसी बस्ती में रहती थी। इच्छा यहाँ रहती थी? बस यहीं पे रहती थी अपनी अम्मू के साथ। पढ़ाई में सबसे आगे थी और खेलकूद में भी। बस्ती से हवेली चली गई, पर किसी को भी नहीं भूली। वापस बस्ती में ही आई, बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों में अपने आप को देखती थी।
कहती है फिर कोई बच्चा सिग्नल पर फूल बेचते हुए। देखना एक दिन दामिनी पाठशाला की अपनी एक जगह होगी। इच्छा चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर वो वापस आई हमारे बीच बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मच्छर मक्खी तिल चट्टे, मच्छर मक्खी तिल चट्टे, कभी न पालो इनके बच्चे, कभी न पालो इनके बच्चे। फिर से बोलो, मच्छर सफाई वहां नहीं दवाई। हाँ, जहां सफाई वहां नहीं दवाई। पानी उबाल के पियो, बीमारी नहीं होगी। पानी उबाले काय पे? खाना बनाने को घासलेट कब पड़े तो मामी चिल्लाती है, बोलती है अब क्या अपनी हड्डियां जलाओ। आप भी ऐसी बातें पढ़ाते हो ना दीदी, जो किसी काम की ही नहीं। टप्पू, टप्पू मुझे तुझसे बात करनी है। मुझे तुझसे बात करनी है। क्या कर रही है इच्छा? हम सर की नई धुन सुन रहे थे, बहुत ही अच्छी गिटार बजाता है, तू भी सुनेगी? ले। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू मेरी बातें सुन। प्रॉब्लम क्या है तेरी? तू अच्छी तरह से जानती है कि प्रॉब्लम क्या है। देख तब, तूने आज फिर से नया बहाना बना लिया, मुझे वीर के साथ अकेला छोड़ दिया। ये कोई तरीका है? अगर तेरे पापा पूछते तो मैं क्या कहती? अरे कह देती, ठाकुर साहब गजल बहुत अच्छी है। टप्पू तू समझने की कोशिश कर, तू खुद झूठ बोल रही है और मुझे भी मजबूर कर रही है। कल सुबह भी तुझे फोन करने वाले हैं, और अगर तूने कुछ भी जवाब नहीं दिया ना तो हो सकता है कि वीर ठाकुर साहब को सब कुछ बता दे। वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम अगर एक स्माइल कर देंगे तो कोई भी हमारी बात मान लेगा। देख टप्पू, हम तीनों की जिंदगी इतनी उलझ जाएगी ना तो हम सुलझा देंगे। बहुत हो गया मजाक, अब चल ठाकुर साहब के कमरे में। पापा आउट ऑफ टाउन, ठाकुराइन तो है ना, तो ठाकुराइन को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। तब बच्चा का जब मन करेगा तब हम जाकर बता देंगे। तू नहीं बताएगी ना? ठीक है मत बता, मैं ही जाके ठकुराइन को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। ठीक है? इच्छा रुक, इच्छा रुको, हमारी बात सुनो एक बार प्लीज। पापा जब भी आएंगे हम पापा से सब कुछ सच सच कह देंगे। हाँ, I promise। लेकिन तब तक हमारा एक काम करो, तुम वीर को घर में कुछ कहने से रोक लो, उसे अपनी पाठशाला ले जाओ, उसे इंजन आर्ट हैंडीक्राफ्ट सोशल सर्विस करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, और वो तुम्हारे स्कूल के काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। इससे हमें सिद्ध के साथ बिताने के लिए कुछ और वक्त भी मिल जाएगा, हम सिद्ध के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। हम सिद्ध से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा इच्छा, क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुमने अगर
पापा को सब कुछ सच सच बता दिया तो घर में बहुत टेंशन हो जाएगी इच्छा, और माँ और पापा हमसे नाराज हो जाएंगे। और तुमने हमसे एक प्रॉमिस भी किया है। कौन सा प्रॉमिस? प्रॉमिस तो तूने आज मुझसे किया है, भूल गई तू? बहुत साल पहले तुमने हमसे एक प्रॉमिस किया था जब हम हॉस्टल से वापस आए थे। इच्छा, जब तुम नहीं थी पापा हमारी हर बात पे तारीफ करते थे। अब तुम हमसे अच्छी ड्राइंग बना लेती हो तो पापा तुम्हारी ड्राइंग की तारीफ करते, तुम्हें ही गोद में लेते। इच्छा, हमें बहुत बुरा लगता है, बोलो इच्छकी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? मैं तेरे पापा को मेरी ड्राइंग नहीं दिखाऊंगी, फिर तो वो तुझे प्यार करेंगे ना। मैं अम्मू को दिखाऊंगी। टप्पू, तेरे माँ पापा सिर्फ तेरे वो तुझसे प्यार करते हैं, मेरे थोड़ी ना। तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे और हमारे माँ पापा के बीच कभी नहीं आओगी। तो क्या तुम हमारी खुशी के लिए आज इतना भी नहीं कर सकती? इच्छा प्लीज, कुछ दिन की ही तो बात है, प्लीज कुछ दिनों तक और तुम वीर का ध्यान रख लो। उसके बाद हम सब कुछ सच सच बता देंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज अभी हमें सिद्का के डार सुनना है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग टप्पू बेटा, आप क्या लेंगे नाश्ते में? सेब काट दे? नहीं नानी, इच्छा सेब काट देगी, वो सलीके के साथ काटती है। तपस्या, फोन बज रहा है आपका। माँ, सुबह सुबह वैसे भी हमें खाना खाते वक्त किसी के साथ फोन पर बात करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फोन उठाओ और कहो तपस्या थोड़ी देर में फोन करेगी, उठा लो। कट गया है। अब तुम्हारा फोन बज रहा है। इच्छा, देखो किसका फोन है, तुम्हारे किसी फ्रेंड का होगा, फोन उठा लो ना। हमें देर हो रही है। अरे तपस्या, नाश्ता तो करो। बाय माँ। नाश्ता तो करके जा। तप्पू,